गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशाद अली है। माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम प्रेजेंटेशन कैसे दें, या फिर किसी भी सेल्स लाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की हम प्रेजेंटेशन कैसे दें। माय डियर फ्रेंड, हर सेल्स डिपेंड करती है कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी दी गई है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके हाथ में हीरा है और अगर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सो माय डियर फ्रेंड, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। सो इसी तरह हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया होता है, मगर सामने वाला व्यक्ति तब भी ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज उसको प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं दी जाती जिससे कि वो ये फैसला ले सके कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं या फिर आपके प्रोडक्ट में लेना चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको अगर आपने अमल किया तो आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाएगा और आप अपनी सेल्स उठा पाएंगे, अपनी सेल्स की जो रेशियो है उसको बढ़ा पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज कि इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट होगा सेल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो होगा गिविंग एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके लिए ये न्यू वर्ड हो या हो सकता है आप इस वर्ड का कुछ और मतलब ले सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर लोगों का कहना यही होता है कि मैं सामने वाले को ज्वाइन नहीं करवा पा रहा हूं या मैं अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहा हूं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लेने की नीयत से जाते हैं, ना कि कुछ देने की नीयत से जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है या सेल्स का जो बिजनेस है वो हमेशा गिविंग एटीट्यूड पे चलता है। जितने भी टॉप के लीडर आपने देखे, आप अपनी कंपनी में देखना, जो भी टॉप का लीडर होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन हमेशा सामने वाले के, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, जो सामने वाला गेस्ट बैठा हुआ है, हमेशा उसके हक में बात करते हैं कि हम आपको दे क्या रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जो प्रोडक्ट होता है, जो पैसा होता है, वो बाय प्रोडक्ट आता है। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी सेल्स लाइन में। सेल्स लाइन में बहुत पैसा है, पर डिपेंड करता है कि वो पैसा आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर आप गिविंग एटीट्यूड से अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी और आपके ना चेहरे पे उसको लालच नहीं नजर आएगा। ज्यादातर जो सेल्स के अंदर होते हैं वो एक ना मोह से बैठे होते हैं, एक ना लालच में बैठे होते हैं कि सामने वाले को ज्वाइन करवाना है, सामने वाले को प्रोडक्ट चेपने हैं और अपनी सेल्स बढ़ जाएगी। और सामने वाला व्यक्ति भी बहुत चतुर होता है, वो आपको टालता रहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं पैसे नहीं लेकर आया हूं या फिर मेरे को आज सैलरी नहीं मिली है। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो सामने वाला व्यक्ति अगर पैसे नहीं भी होते और अगर उसको अपना फायदा नजर आता है तो वो अरेंजमेंट करता है उस चीज का। सो माय डियर फ्रेंड, आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड में होनी चाहिए। गिविंग एटीट्यूड मींस आपको अपने प्रोडक्ट और आप अपनी मार्केटिंग और आप अपनी खुद, मतलब आप ये देखिए कि आप उसको क्या क्या दे रहे हैं। आपका हमेशा फोकस जाना चाहिए क्या क्या दे रहे हैं, और कभी आपको अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से प्लान दिखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं सामने वाले को देने जा रहा हूं, ना कि बल्कि उससे कुछ लेने जा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, जो पहली चीज थी वो था गिविंग एटीट्यूड। हमेशा गिविंग एटीट्यूड में रहना है कि मैं सामने वाले की व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूं। वो हो सकता है 15-20-25-50 हज़ार 1 लाख रुपए कमाता है, बट मैं यहां से उसको पैसिव इनकम कमाने का मौका दे रहा हूं, मैं यहां से उसको लग्जरी लाइफ जीने का मौका दे रहा हूं। सो मैं गिविंग एटीट्यूड में जाऊंगा, मैं उसको कुछ देने जा रहा हूं, ना कि उससे कुछ लेने जा रहा हूं। सो जब आपका ये एटीट्यूड होगा, जब आपकी मनोस्थिति हो जाएगी, तो आपकी प्रेजेंटेशन में आपको जो सबसे पहले अचीवमेंट मिलेगी वो मिलेगा कॉन्फिडेंस, और वही कॉन्फिडेंस आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएगा। जो सेकंड पॉइंट होता है आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, माय डियर फ्रेंड, वो होता है गुड अपीयरेंस। जितना आपने बेहतर कपड़ा पहना होगा और जितना आप बेहतर लग रहे होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी और वही आपकी छाप छोड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा कि हर फील्ड की अपनी अपनी ड्रेस होती है और अपना अपना यूनिफॉर्म होता है। अगर हमको भीख भी मांगनी है, अगर हम भीख भी मांगेंगे
तो भी हम कोट पैंट पहन के भीख नहीं मांग सकते, हमें भीख मांगनी पड़ेगी भिखारी के कपड़े पहन के। सो माय डियर फ्रेंड, जो सेल्स लाइन होती है इसके अंदर हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और जितना हम गुड अपीयरेंस में रहेंगे उतनी हमारी सेल्स बेहतर होगी और उतनी ही इफेक्टिव सेल्स होगी। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती अच्छी नहीं है और फिर हम जज कर लेते हैं यार जब ये दिखी अच्छी नहीं रही तो होगी कैसे अच्छी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने सब्जी देखी तो आप क्या करते हैं कि पहले से अनुमान लगा लेते हैं यार जब ये सब्जी दिखी अच्छी नहीं रही तो खाने में कैसी होगी, सो आप खाते भी नहीं है। तो ऐसे ही लोग हमारे बारे में भी ऐसी विचार रख लेते हैं कि जब ये सामने वाला दिखी अच्छा नहीं रहा है तो अंदर से कैसा अच्छा होगा। आप अंदर से कैसे हैं डिपेंड करता है कि आप बाहर से कैसे हैं। आपको अपने बाहर से प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। हो सकता है सेल्स की लाइन में आने से पहले आप कैसे भी रहते हो, मगर अगर आप सेल्स में हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, कि आपको अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है और आपको प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करना है, सो दैट आप अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर पाए। जब आप अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे तभी आप अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। मेरे फ्रेंड, जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है डोंट पिक अननेसेसरी कॉल्स। माय डियर फ्रेंड, ज्यादातर आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग होते हैं प्रेजेंटेशन देते देते वो अननेसेसरी कॉल्स को अटेंड कर लेते हैं, अननोन नंबर को अटेंड कर लेते हैं या फिर वो कोई भी कॉल्स को अटेंड कर लेते हैं। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट पे ये आपको रखना है कि कॉल्स अटेंड ही नहीं करनी, आपको कॉल्स अटेंड ही नहीं करनी कितनी भी इंपॉर्टेंट है अगर आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो। बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं और अगर हम अननेसेसरी कॉल्स को पिक कर लेते हैं तो सामने वाला जो हमारा गेस्ट है या कस्टमर है वो इरिटेट हो जाता है और वो डिसीजन लेता है आपसे दूरी बनाए रखने की या फिर हटने की, और जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो वो भी अपनी कॉल्स को, अननेसेसरी कॉल्स को वो भी पिक करना शुरू कर लेता है, और जब वो पिक करता है तो वो आपकी बातों को आधा सुनता है आधा नहीं, और जब वो पूरी बात सुनता ही नहीं है तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको समझ में नहीं आती, और जब आपकी प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आई तो जाहिर सी बात है फैसला क्या लेगा कि इसको करना है या नहीं करना, और लास्ट में आप बोलते हैं कि कैसा लगा, वो झूठ बोलता है कि उसको अच्छा लगा, और लास्ट में वो घर जाता है और फिर आपका नंबर डालता है ब्लैक लिस्ट में, ब्लॉक कर देता है और आपका फॉलो अप लेने का कोई फायदा नहीं होता। तो छोटी सी एक चीज जो कि आपके प्रेजेंटेशन को, जिसने कि एक गलत मोड़ दे दिया जो कि आपने एक अननेसेसरी कॉल पिक करी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फोन साइलेंट करना है या एयरप्लेन मोड पर डालना, और सामने वाले से भी आप रिक्वेस्ट करना है आपको कि सामने वाला भी अपना फोन को साइलेंट करे, और आप उम्मीद तभी लगा सकते हैं जब आपने वो काम किया होगा। अगर आपने ही नहीं किया है तो सामने वाला कैसे उस चीज को करेगा। आप ही सपोज करिए कि आप कुछ लेने गए हैं और आपको, आप सपोज करो आप कार लेने गए हैं, आपको इंसान आपको कार की प्रेजेंटेशन दे रहा है और देते देते वो कॉल अटेंड कर ले, अननेसेसरी कॉल अटेंड कर ले, और फिर आपको कैसा लगेगा। तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है। जो चौथा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, वो है SSD फॉर्मूला। माय डियर फ्रेंड, SSD फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स की किसी भी लाइन में हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इतना इजी लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट करना है, अपने प्रोडक्ट सर्विस अपने मार्केटिंग प्लान को इतनी बेहतरीन तरीके से इतना शॉर्ट सिंपल एंड डुप्लीकेबल प्रेजेंट करना, सो दैट सामने वाले को समझ में आए, वो डिसीजन ले पाए और घर पे जाके वो अपनी जो चीज उसने सुनी है वो सामने वाले को बता भी पाए। माय डियर फ्रेंड, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा करते हैं कि वो अपने मार्केटिंग के प्लान को वो दो दो घंटे तक बैठा के रखते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, गेस्ट को, और एक वक्त आने के बाद वो क्या होता है कि वो देख तो रहा होता है मगर वो एक डेड बॉडी की तरह आपके सामने बैठा होता है और सारी बातें उसके ऊपर से जा रही होती है और बस वो ये देख रहा होता है कि आप कितनी हद पार कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, दो दो घंटे, ढाई ढाई घंटे एक एक प्रोडक्ट को इतना एलोबरेट करेंगे
जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर एलोबरेट कर रहा हूं उस नॉलेज को, माय डियर फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको शॉर्ट सिंपल एंड डुप्लीकेबल, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसी प्रेजेंटेशन दूंगा जिससे कि सामने वाले का भला हो और सिर्फ सामने वाले का भला हो। माय डियर फ्रेंड अगर मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं आपको अगर पेट में दर्द है और अगर डॉक्टर सारी दर्द की दवाई दे, सारी पूरी बॉडी पेन दे दे, तो पूरे सारे हर चीज की दवाई दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो माय डियर फ्रेंड ऐसे ही गेस्ट को लगता है जब हम एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट को इतना एलोबरेट करके बताते हैं, सामने वाला वही डिसीजन ले लेता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना क्योंकि ये घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने प्रेजेंटेशन के अंदर SSD फॉर्मूला को फॉलो करना है, शॉर्ट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। मैक्सिमम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें सिंपल भाषा का यूज करना है, कोई टेक्निकल भाषा का यूज नहीं करना है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के या सेल्स की भाषा का यूज नहीं करना, सिंपल तरीके से समझाना है, ऐसा समझाना है कि वो सामने अपने घर को अपनी फैमिली को वो चीज बता पाए। सो माय डियर फ्रेंड आज की वीडियो बस यहीं तक, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा माय डियर फ्रेंड कमेंट करके बताइए, और आप बेहतर अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं जो मैंने पॉइंट नहीं बताए हो और आपके माइंड में है तो वो भी कमेंट करिए। इस वीडियो को अपनी टीम में अपने नियर एंड डियर को शेयर करिए, अच्छी बातों को फैलाइए सो दैट अच्छी चीज हम सामने वाले को दे पाए। वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए सो दैट आने वाले समय में मैं ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूं। और अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक है अभी तक जो मैंने कवर नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट उसको भी कमेंट करिए या DM करिए सो दैट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। माय डियर फ्रेंड वीडियो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए सो दैट जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो सभी आप तक आ सके और आप उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसको देख सके। सो माय डियर फ्रेंड wish you all the best.